माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गर्मी में कौन कौन से तरह के पापड़ बनाए जाते हैं, और वो हमारी दादी ने बनाए हैं सारे पापड़ गर्मियों वाले। और आज हम लोग इस पूरे प्यारे से घर का हम लोग डेकोरेशन बताएंगे और बहुत अच्छी अच्छी कराने जा रहे हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय। तो अभी नीचे कुछ पापड़ सूख चुके हैं तो मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। तो इतने पापड़ कर्ल सूख चुके थे, इतने। ये साबुदाने वाला पापड़ है और कुछ ही भी पापड़ है, ये सारे हमारी दादी ने बनाए हैं। ये पूरी तरह से ही सूख चुके हैं, इसको अब बस तलना है फिर अपने पापड़ रेडी। और परी यहाँ पे बैठी हुई है, देख रही है हमको, इसको यहाँ रख दो। और ये भी देखी, ये भी है, और ये भी देखी, ये सेम पापड़ ये। अब मैं आपको मेरा रंग दिखाना चाहती हूँ जो कि मेरा रंग सबसे प्यारा है। इधर और छत के कुछ पापड़ सूख रहे हैं और वो छत के पापड़ आलू के हैं। चलो ऊपर छत के पापड़ है। मैं इसके टॉवल लाई क्योंकि ऊपर इतनी धूप है जो कि हम दोनों के पैर जल रहे हैं, पूरे पूरे के पूरे पैर। हमारे छत पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, देखिए। अब रेडर रखेंगे ताकि सारे आलू के पापड़ सुखाए हैं। मम्मा सुखा रही है, मम्मा देखो। चलो मैं आपको यहाँ इतने बॉईल, इसको पहले काट छिला है, फिर काट के इसको बॉईल करके फिर इसके ऊपर सुखा रहे हैं। चलो जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तब इसको ऑयल, गरम ऑयल में तल के फिर पापड़ रेडी। देखिए यहाँ पे हमने उगाया है एलोवेरा और एक और एलोवेरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर्स। ये है सनफ्लावर और ये खाने का फेवरेट है, और दूसरा है ये वाला रोज फ्लावर। और फिर अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, और हाँ एक और है, और ये वाला है पुदीना। पुदीना का है इतना, अभी ये धीरे धीरे बढ़ेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं। एक तो ये वाला एक मेरा फेवरेट है, ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट प्लांट है। और दूसरा प्लांट ये एक ये क्या बोलते हैं, ये प्लांट है। और सबसे तीन प्लांट मेरे अच्छे हैं, एक मुझे ये वाला पसंद है, एक ये वाला और एक ये वाला है ना, और एक ये सनफ्लावर। और फिर दूसरा फ्लावर मेरा ये है पिंक, और फिर ये गेंदा फूल वाला है, और ये रोज फूल है। इतना भी थोड़ा सा उगा है, इधर है देखिए, इतना सा भी उगा है। अभी जब इतना उग जाएगा फिर मैं आपको, फिर ये दूसरा बढ़ रहा है। और बाकी तीन प्लांट यहाँ पर है, और ये इतनी बड़ी पूरी मेरी छत है। ये हमारी बहुत बड़ी छत है, इतनी बड़ी। इसके ऊपर भी है पर उसके ऊपर हमारी टंकी है जिसके अंदर पानी पूरा भरा रहता है। और आपको पता है कि जब हम लोग बोरिंग खोलते तो अपन को पता नहीं चलता है, तो हम लोग ने ना एक नीचे एक अंटीरी लगाई है जो कि ताकि अगर टंकी भर जाएगी तो कहेंगी पानी की टंकी भर गई है। कृपया मोटर बंद कर, अटेंशन प्लीज, मोटर बंद दो प्लीज।
और इस पूरी छत का व्यू बहुत ही ज्यादा, वहां से पहाड़ पहाड़ दिखता है ये दोनों बिल्डिंग्स के बीच में, बहुत बड़े पार्क दिखते हैं। अब इतना गर्म है कि मेरा टॉवेल भी जलने वाला है, इतना गर्म है। और बालकनी में भी बहुत सारे पापड़ रखे हो ना, अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी इसके और ही सीढ़ी के नीचे हम लोग ने पेंटिंग बनाई, ये मंडलाक है और सारी पेंटिंग मेरी और मेरे कजिन्स ने बनाई है और मैंने। और ये जब बनाना था ना तब ना मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था जो अच्छा रूम होएगा वो मेरा होएगा, वो मैंने डिसाइड कर लिया था। तो हम लोग अभी फिलहाल आ चुके हैं हमारी बात, हम आपको दिखाऊंगी ये स्टिकर्स, ये जो है एक डक, ये डक है ये अपने बच्चे के ऊपर कूद रही है और ऊपर से ऐसा व्यू परीक्षा ना। अभी हम आ चुके हैं फिलहाल अपनी बालकनी में और यहाँ पे आज हमने पापड़ बनाए थे सुबह सुबह, ये भी गीले हैं ओ हेलो थोड़े थोड़े और सूखे भी हैं कुछ कुछ, ये फुल पापड़ बनाए थे हमने आज और ये उठा नहीं था। चलो आज मैं आपको स्टिकर दिखा रही हूं और यहाँ पर फुल हमारे फूल हैं, सबसे फेवरेट मेरा ये वाला है और ये वाला है और भी बहुत सारे वहाँ पे फूल है हमारे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पूजा रूम है, ये देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे आके देखिए इतना अच्छा है, ये डोर है स्लाइडिंग डोर। और अब मैं आपको दिखाऊंगी स्टिकर बढ़िया आज ये देखिए इतना, ये स्टिकर है जो हमने वॉल पे चिपकाए थे, ऐसे लग रहे हैं वॉल पे स्टिकर करी और ये और ये हमारी एक टीवी है और ये पूरा उसका सेटअप है, हम लोग रात को ना मूवी देखते हैं और अंदर कंप्लीट और अंदर चेंजिंग रूम है जो भी अभी बन रहा है अभी बनेगा फुली चेंजिंग रूम है इतना। और आपको यहाँ पर मिरर है दो, एक बड़ा सा मिरर है और यहाँ वॉशरूम है। चलो अब मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ और ऊपर देखिए हमारी एसी पे भी स्टिकर लगा है ऊपर जो कि ये इसने लगाया था ये फुल। और यहाँ हमारी कुछ पेंटिंग्स है, ये लैंप रखा है बहुत अच्छा और ये ऐसे ही हमने रख दिया था और ये इसके बर्थडे पे मिला था इतना अच्छा गिटार और इसके साथ पियानो भी था, मेरे पास एक बड़ा वाला गिटार भी है और रखा हुआ है और पियानो भी था जो कि इसके बर्थडे पे मिला। चलो आइए और ये देखिए इसमें अच्छा सा इसमें लाइटिंग भी लगी है, मैं आपको लाइटिंग दिखा, इसमें लिखा है ओम और ये बहुत ही अच्छा है ये जो मंडला है ना आप क्या समझ रहे हो ये पूरी हमने करी है पर ये जो जितनी है ना ये वाली वो वाली पेंटर ने करी है और दूसरी वो थर्ड फ्लोर की है ना वो वाली हमने कर दी। आ गए हैं नीचे, ये हमारा मेन डोर है जहाँ पर बाहर एक बड़ा सा पूल रखा हुआ है, उसका भी एक वीडियो आने वाला है, बाथटब वाला वीडियो आने वाला है जल। और ये है मेरी साइकिल और ये मेरी साइकिल खराब है, मेरी ये दोनों साइकिल हैं, ये दोनों साइकिल मेरी है जो अभी तक सही है। ये यहाँ पर कुछ पेड़ है और पहले इसका हैंडल ना गीला था
अब टाइट हो गया, तो फिर थोड़े दिन दिन में ही चलाते हैं। इसका भी वीडियो आएगा। चलो मैं आपको अंदर की ये स्लाइडिंग हो रहा है। इसमें मच्छर ना आकर, जब ठंडी होगी ना जब मच्छर आएंगे। गर्मियों के लिए परफेक्ट है। और मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारे कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये सब और ये सब इसमें लाइनिंग भी है। और अगर इसको छुएंगे ना तो खराब हो जाएगा। ये फुल लाइनिंग से बना है। और ये एक डोर है जिसके अंदर सिंक है, पीछे एक वो है बड़ी सी जगह वरना वॉशरूम। तो चलो मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।